अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी जा रही होंगी और आप दिए गए असाइनमेंट्स को घर पर सॉल्व भी कर रहे होंगे। वेरी गुड, अच्छी बात है। चले बच्चों, आज हम अपना नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं और आज कुछ गेम्स भी मौजूद हैं लेसन में। चले आज हम पेज नंबर 8 पर काम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले हम इसे देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। जी, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, कैन यू चेंज दीज इनटू वर्ड्स, यानी कि हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं जिन्हें आपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, सो फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए यहाँ पर ऑलरेडी कन्वर्ट की गई है। चलें इसे देखते हैं। जब कभी आपको इस तरह से इन वर्ड्स में कन्वर्ट करने में डिफ़िकल्टी फील हो तो आप एक छोटी सी ट्रिक आजमाइए। जो आपके पास नंबर्स दिए हुए हों, आप उनके ऊपर बिल्कुल छोटा सा यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये बिल्कुल छोटा छोटा जब आप लिख लेंगे तो आपको इसको फिगर आउट करने में आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, चलें देखते हैं हमारे पास फर्स्ट नंबर किस तरह से कन्वर्ट किया गया है इनटू वर्ड्स। जी, हमारे पास 453,841। ठीक है बच्चों, चलें अब हम बी की एग्जांपल देखते हैं। बी पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कन्वर्ट करने को। जी, यहाँ पर अगेन अगर आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही हो कन्वर्ट करने में तो आप यूनिट, 10 और 100 बिल्कुल छोटा सा लिखकर इसको आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वर्ड्स। 370, ठीक है, आप इसे यहाँ कॉलम में लिख सकते हैं 370। इसके बाद हम सी पर जाएंगे और सी की हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, सी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगेन वही ट्रिक आपको आजमानी है और आपने छोटा सा यूनिट, 10, 100 एंड 100,000 मेंशन करना है। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास अगला डिजिट क्या है। हमारे पास 8,404 है, 8,404। ठीक है, आप इसे जल्दी से यहाँ लिख लीजिएगा। अच्छा, अब हम डी को सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पर भी एक डिजिट और बढ़ गया है। चलें इसको हम कन्वर्ट करते हैं इन वर्ड्स। 50,274। जी, आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम ई को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ अगेन आपके पास एक डिजिट का इजाफा हुआ है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास इन वर्ड्स में इसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। 598,702। ठीक है बच्चों, आपने इसको सॉल्व किया और अपनी नोटबुक में मज़ीद इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक है, पहले 3 डिजिट्स की कीजिएगा, फिर 4 डिजिट्स की, फिर 5 की और फिर 6 की, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, चलें अब हम नेक्स्ट अपने क्लूज़ पर जाते हैं। छोटी सी एक गेम खेलेंगे हम, आपको क्वेश्चन नंबर 8 में नज़र आ रहा होगा। लेट्स प्ले अ गेम। जी, गेम खेलेंगे। चलें क्लूज़ देखते हैं कि हमें क्लूज़ क्या मिल रहे हैं। यूजिंग द नंबर्स इन द नंबर बैंक क्रिएट अ 6 डिजिट नंबर बेस्ड ऑन द गिवन क्लूज़। ठीक है, चलें यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपके पास 6 डिजिट्स दिए हुए हैं जिसे आपने आगे आने वाले क्लूज़ को फॉलो करते हुए एक डिजिट बनाना है। ठीक है, 6 डिजिट नंबर बनाने हैं लेकिन आपने अगली दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ज़रूर करना है। ठीक है, सो हमारे पास सबसे पहले
3, 8, 7, 1, 2 and 4 मौजूद हैं, जिसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। चलें क्लू नंबर ए को देखेंगे। क्लू ए को देखेंगे, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 6-डिजिट नंबर यू कैन मेक। आपके पास यहाँ पर 6-डिजिट नंबर्स मौजूद हैं, जिसमें से आपने लार्जेस्ट को पहले चूज़ करना है और उसके बाद उसे उसी ऑर्डर में लार्ज से लेकर स्मॉल नंबर तक आपने इसको लेकर आना है, इन 6 डिजिट्स को। ठीक है, चलें देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा। लार्जेस्ट नंबर आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा है। जी 8, वेरी गुड 8। देन 7, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 6-डिजिट नंबर बन गया। अब आप बी की एग्जांपल लें कि बी में आपके पास क्या क्लू मौजूद है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 6-डिजिट नंबर यू कैन मेक। अब आप अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे काम को, यानी पहले आपने लार्जेस्ट नंबर को पिक किया और उसके बाद आप स्मॉलेस्ट नंबर पर ग्रेजुअली आए। अब आपने स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेजुअली हाईएस्ट नंबर की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, कौन बताएगा मुझे। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, वेरी गुड। उसके बाद 2, फिर 3, 4, 7 एंड 8। जी बच्चों, तो आपने इसको अब स्मॉलेस्ट नंबर में अरेंज कर लिया। ठीक है, चलें अब आपने सी और डी ये दोनों खुद यहाँ पर क्लूज की हेल्प लेते हुए लिखना है। ये आपका होम टास्क है, आपने इसको सॉल्व करना है और फिर आपने अपनी टीचर को बताना है कि आपने इसको सॉल्व किया या नहीं। फिर आपकी टीचर आपको उस पर फीडबैक देंगी कि आपने उसको कैसे सॉल्व किया। वो आपको कॉल करेंगी और आपको आज के कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे पूछेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।